आप देख रहे श्री महाकाल लोक टीवी में हूँ आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 1 जुलाई कल टुमारो 1 जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है। उनकी जीवन यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं। ये 75 वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे हैं। ये 75 वर्ष अद्भुत पड़ावों के रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे उनकी बायोग्राफी साथ साथ 2 और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देगी, उन्हें राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के सभी संस्करणों में हमेशा समाज को सामने रखा और उनके सारे संस्करण 1 से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं की उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो बरसों बरसों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है और आज उन्होंने एक पेड़ जो लगाने का आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पर्व आता है हरेला पर्व, उस हरेला पर्व पर हम पहले से भी योजना बना रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन के बाद हम लोग और नियोजित होकर एक व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश के अंदर जल संचय, जल संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे, इसके लिए अभियान चलाएंगे, इसके लिए समाज को जोड़ने का काम करेंगे, स्कूल के छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर इस क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम देश का एक मॉडल राज्य हमारा बने, उसके लिए काम करेंगे। देश भर में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं, कितना मजबूत रहेगा? देखिए, ये तीनों कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इन कानूनों के लागू होने के बाद लोगों को जो आम जनता को परेशानियां आती हैं, कानूनों में जो वैधानिक अड़चनें आती हैं, कई प्रकार की जो कठिनाई आती है, उन सभी से उनसे निजात मिलेगा और सारी चीजों का सरलीकरण होगा, लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा और विधि व्यवस्था और प्रगाढ़ होगी। दिल्ली दौरे से सर आप लौटे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी सरकार का पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड से मांगी गई हैं या जिनकी जरूरत थी, वो सब केंद्र की सरकार ने दी हैं। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत अन्य मंत्रीगणों से मैंने भेंट की है, सबसे अनुरोध किया है जो हमारे पहले के चलने वाले प्रोजेक्ट थे उनको तेजी से पूरा किया जाए और जो नई योजनाएं हैं जहां पर हमको अड़चनें आ रही हैं, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वन विभाग में, शहरों के विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पहले की तरह हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी हमको मिलता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने डुमास बीच पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वही गृह मंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के 125 करोड़ लोगों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत संकल्प की जो शुरुआत की गई थी, सूरत के प्रोजेक्ट सूरत ग्रुप द्वारा पिछले कई सालों से लगातार
हर रविवार को इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर सूरत शहर के तापी नदी एवं दुम्मस के ये समंदर के तट पे हर रविवार को शहर के युवाओं को प्रेरित करके, खास करके समंदर और नदी के जो तट है उसको प्लास्टिक फ्री करने के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन युवाओं के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं, मैंने इनको नजदीक से काम करते हुए देखा है। आज रविवार का दिन था, तेज बारिश में ये युवा मेरे शहर को साफ करने की, साफ रखने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं एवं सूरत शहर के महापौर दोनों जन डुम्मस के समंदर के तट पे आके उनके साथ मिलके ये प्लास्टिक गार्बेज कलेक्ट करने का काम आज इन युवाओं के साथ करने का अवसर मिला है। ये युवा मेरे शहर के एवं देश भर के नागरिकों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये हर रविवार को अपनी नींद से जाग के और काम छोड़ के दो दो घंटे यहाँ काम करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं कि समंदर के ये तट पे आप अपने परिवार के साथ हर वक्त घूमने आते हो, ये समुंदर के तट को आप साफ रखिए। और ये युवाओं का काम मोदी जी द्वारा अपनी मन की बात में भी बहुत ही अच्छी तरह से मोदी जी ने इनकी बातें रखी, देश भर के युवाओं को इनके विषयों की माहिती दी, जिनके माध्यम से ये युवाओं को और प्रेरणा मिली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बात करते हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इंडिया टीम को जो 2020 मैच में वर्ल्ड कप जीता है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने देश का जो नाम ऊंचा किया है, मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगली सरकार हरियाणा की जनता की होगी, हरियाणा के लोगों की होगी, कमल के फूल की होगी। अमित शाह जी ने भी कल हौसला अफजाई किया है सर, आपके लिए भी उन्होंने बोला कि अगर तीसरी बार बने गए सीएम। अमित शाह भी आशीर्वाद देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, कल विस्तारक हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोरदार मार्गदर्शन किया है और हम मिलकर के कमल का फूल बड़ी मजबूती से हरियाणा में बहुत बड़े मैंडेट के साथ खिला रहे हैं। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस जो झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करती है, उसका नकाब उतारने का काम करेंगे और हम यहां से बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके, हम काम करें। निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को उनके कार्यकाल के अंतिम दिन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद सेना 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इस साल इसी महीने। अब 4 जून को सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, किसी और अदालत के सामने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कब तक आप जांच चलाएंगे, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब तक आपकी जांच चलती रहेगी, बोले सर साहब एकदम जांच पूरी हो गई, सब कुछ तैयार है साहब, बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगे, अब हमको कोई जांच नहीं करनी। सुना होगा आप लोगों ने, यह भी आप लोगों की जानकारी में है। माने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है, इसका मतलब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी, इसका मतलब सीबीआई को आगे जांच नहीं करनी थी, इसका मतलब सीबीआई को कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी थी। लेकिन सीबीआई वालों को, बेचारों को क्या पता कि उनको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। उसी बीच
एक ऐतिहासिक फैसला ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है, और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल